डियर फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8। और जो हमने पिछला क्वेश्चन 7वें नंबर का सॉल्व किया था उसको माफ कीजिए मैंने 5वां नंबर कह दिया था और लिख दिया था, तो डू नॉट माइंड, आप उसको 7th कंसीडर करें। e टू द पावर 5 log x माइनस ई टू द पावर 4 log x, ई टू द पावर 3 log x माइनस ई टू द पावर 2 log x। तो इसको करने के लिए एक आप लॉग की अच्छी प्रॉपर्टी है उसको दिमाग में रखें। बड़ा आसान सा सवाल है ये। a टू द पावर p लॉग x बेस a को आप लिख पाएंगे x टू द पावर p। क्या क्या खास बात है, ये बेस सेम हो और लॉग का बेस सेम हो। अगर दोनों सेम होंगे तो इसको आप x टू द पावर p लिख पाएंगे। यहां बेस e होगा, अगर बेस नहीं लिखा तो क्लास 12th में e माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड एज e। तो आप देखें p क्या है आपका 5 और log x, तो आप इस इंटीग्रल को लिख पाएंगे x टू द पावर 5 माइनस, इसको भी इसी से कोरिलेट करें, यहां 4 है आपका p, तो x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 2 dx। अब आप इसमें से बहुत आसान सा सवाल है, x टू द पावर 4 कॉमन लें, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन लें, x माइनस 1 इससे इसको कैंसिल कर दें। अब आप x स्क्वायर से x टू द पावर 4 कैंसिल कर दें तो एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रल अब आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 2 plus 1 प्लस c, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये था मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा पसंद आया होगा। केवल एक ट्रिक, एक फॉर्मूला आप ध्यान रख लें, कौन सा है वो, a टू द पावर log p log x बेस a इज इक्वल टू x टू द पावर p। तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16, और तब हम देखेंगे। विश यू गुड लक।